देकर मध्य प्रदेश के विकास को मजबूती प्रदान की है। इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के निर्माण से जहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो वहीं निमाड़ क्षेत्र के लोगों को रेल लाइन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। मध्य प्रदेश वासियों को रेलवे के एक नए रूट की सौगात मिली है। अब इंदौर उज्जैन से मायानगरी मुंबई की दूरी कम हो जाएगी क्योंकि अब इंदौर मनमाड़ के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस नए रेल रूट को मंजूरी दी गई। ये रेलवे लाइन केवल एक मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। रेलवे के इस नए प्रोजेक्ट के तहत इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछेगी। ये नई रेल लाइन मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी जिले शामिल होंगे। रेलवे के इस प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2029 की डेडलाइन तय की है। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सीएम मोहन यादव ने खुशी जताई। ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली, अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद उधर घूमते हुए जाना पड़ता था, अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद भी दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है। इंदौर मनमाड़ के बीच इस नई रेल लाइन के बन जाने से जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी वहीं माल ढुलाई से रेलवे को भी फायदा होगा। इसके अलावा इंदौर मनमाड़ रेल रूट से उज्जैन, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोजेक्ट 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगा। 1,000 गांव और करीब 30 लाख की आबादी पहली बार ट्रेन से जुड़ेगी। मध्य प्रदेश के बाजरा और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई, इंदौर, उज्जैन के बीच 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। हमारा अपना वो आदिवासी अंचल जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़ एक पूरा क्षेत्र जिनकी अपनी वहां की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल के अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। इस रेल लाइन का सीधा फायदा इंदौर संभाग के 3 बड़े आदिवासी बहुल जिलों को होगा। इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट साल भर पहले ही तैयार हो गई थी। मनमाड़ से धुले के बीच काम शुरू भी हो चुका है। इसमें धूले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा, ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल महू से मालेगांव तक करीब करीब NH 52 के पैरेलल जाएगा और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा। उम्मीद है प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2029 तक दोनों ही प्रदेश के लोगों को इस नए रेल रूट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ की खबर से बड़ी